पलवल के आगरा चौक स्थित अनुपम ज्वेलर्स के सामने एक रक्तदान कैंप का आयोजन जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और जीवन दायिनी संस्था के तत्वाधान में किया गया। इस मौके पर सैकड़ों रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। इस आयोजन के बारे में अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर प्रशांत गुप्ता सहित आयोजकों ने बताया। डॉक्टर साहब, आज रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया है, क्या है पूरा कैंप और कितने लगभग कितनी यूनिट एकत्रित किया? आज का ब्लड डोनेशन कैंप वुमेन्स डे पे आयोजित किया गया है, जिसमें जीवन दायिनी सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल और ने लगाया है ये कैंप, और उन्होंने लाइफ लाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक को यहाँ पे बुलाया है और इसमें अभी तक 41 यूनिट एकत्रित हो चुकी है। तो आज महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो ऐसे में महिलाओं का इसमें कितना योगदान है? इसमें काफ़ी योगदान रहा, अभी तक जो है 25 यूनिट जो है महिलाओं ने दिए हैं आज के ब्लड डोनेशन कैंप। मैं मधुलिका जैन हूँ, जीवन दायिनी संस्था। आज हम लोगों ने यहाँ पे महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और आज ये हमारा शिविर बहुत अच्छा जा रहा है। करीब 15 महिलाओं ने आके यहाँ पे रक्तदान किया, कुछ महिलाओं ने पहली बार भी किया और अभी तक हम लोग 42 यूनिट इकट्ठे कर चुके हैं। इसके अलावा हमारी संस्था जो है ये रक्त की अनियमितताओं पर काम करती है, ब्लड कैंसर, थैलेसीमिया, इनके जो भी मरीज़ हैं उन लोगों को आर्थिक रूप से कोई सहायता चाहिए या कभी भी ब्लड प्लेटलेट की कोई आवश्यकता है तो हमारे सदस्य हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। हमारा एक इसके साथ साथ हमारा एक बहुत ही संजीदा काम भी चल रहा है, जिसमें हम लोगों को स्टेम सेल डोनेशन के लिए भी अवेयरनेस करते हैं। सर, जीवन दायिनी ये ट्रस्ट है और लाइफ लाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक जो पलवल में शुरू हुआ है, 20 तारीख को उसको लाइसेंस मिला है चैरिटेबल ब्लड बैंक का, जो कि 100% वॉलंटरी डोनेशन पे काम करेगा और जो भी यहाँ की नीड होगी ब्लड की वो प्रोवाइड करेगा। तो रेड क्रॉस का भी किसी तरह से कोई सहयोग? हाँ, रेड क्रॉस का भी यहाँ सहयोग गया है, रेड क्रॉस के सेक्रेटरी साहब भी आज आए हैं, उन्होंने भी यहाँ के डोनर्स को मोटिवेट किया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी ये मिस्टर हुड्डा आए हैं जो ब्लड बैंक इंचार्ज हैं, उन्होंने भी आगे यहाँ काफ़ी डोनर्स को मोटिवेट किया है, तो मैं इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर, रेड क्रॉस का कहीं देखने में नाम नहीं आया, ना बैनर पे, ना इधर कहीं पर भी रेड क्रॉस का नाम नहीं था। एक्चुअली ये बैनर जो थे ये पहले बन चुके थे सर, तो बाद में फिर ये बात हुई तो हमारे पास शॉर्ट टाइम की वजह से वो नाम नहीं आ पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि रेड क्रॉस तो सर पूरे हरियाणा में बड़ा अच्छा काम कर रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में वो वॉलंटरी डोनेशन को बढ़ा रही हैं और जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्लड बैंक्स हैं, उन सबको रेड क्रॉस सपोर्ट करता है हर तरीके से, डोनर मोटिवेशन में, डोनर की रिफ्रेशमेंट में, बाकी चीज़ें।